नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में सुधा कंपनी के दूध के दाम बढ़े। रात के 3.5 लाख शिक्षकों को 15% बढ़ोतरी के साथ मिलेगी सैलरी। मिट्टी के चूल्हे से लेकर सूप आम की लकड़ियां बिक रही है महंगी। आज शाम इस वक्त रहेगा खरना का शुभ समय। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मना रहे हैं अपना 32वां जन्मदिन। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के 3.5 लाख शिक्षकों को 15% बढ़ोतरी के साथ मिलेगी सैलरी। बिहार के करीब 3.5 लाख सरकारी शिक्षकों के लिए लंबे समय के बाद राह देने वाली खबर सामने आई है। जिस वेतन वृद्धि के लिए बिहार के प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक, पंचायती राज एवं नगर निकायों के शिक्षक और पुस्तकालाध्यक्ष 6 सालों से इंतजार कर रहे थे, उसे लेकर सूबे की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इन शिक्षकों को जल्द ही 15% वृद्धि के साथ वेतन मिलेगा। सरकार के फैसले के बाद शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2021 से देने की सहमति दे दी है। इसके लिए सरकार को सालाना 1950 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च का वहन करना होगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने मंजूरी मिलने के बाद नए सिरे से शिक्षकों को वेतन निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। विभाग के मुताबिक वेतन बढ़ने के बाद किसी भी नियोजित शिक्षक का कम से कम 2500 रुपए से 4500 रुपए तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। छठ में इस बार घाटों पर ठंड का दिखेगा असर। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का कल पहला अर्घ्य होने वाला है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के वक्त इस बार शाम में भी लोगों को ठंड का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी कर बताया गया था कि इस बार पिछले सालों की तुलना में छठ पर ठंडी हवाओं के बहने से ठंड का एहसास होने वाला है। ऐसे में जो व्रती घाटों में पानी के अंदर जाकर आराधना करेंगे, उन्हें अन्य बार से ज्यादा ठंड महसूस होगा। पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल सूर्यास्त शाम के 5:02 और सूर्योदय सुबह लगभग 6 बजे होने की उम्मीद है। छठ के पहले अर्घ्य के दिन यानी कि 10 नवंबर को दिन के समय अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री और 11 नवंबर को सुबह पारा 13 से 16 डिग्री के बीच होने के आसार है। सुबह कोहरा होने की वजह से सूरज देवता के दर्शन में देरी हो सकती है। बिहार में सुधा कंपनी के दूध के दाम बढ़े। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और झटका लगा है। बिहार सरकार द्वारा संचालित बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड यानी कि कॉम्फेड ने सुधा दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। ये बढ़ी हुई कीमतें छठ के बाद 11 नवंबर से लागू होंगे। इसके तहत सुधा दूध के दाम में प्रति लीटर 2 से 4 रुपए तक का इजाफा किया है। इससे पहले इसी साल फरवरी में ही सुधा दूध के दाम बढ़े थे और अब फिर से इसमें इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतों के अनुसार सुधा के स्टैंडर्ड मिल्क में 3 रुपए प्रति लीटर, फुल क्रीम 4 रुपए प्रति लीटर, डबल टोन्ड मिल्क 3 रुपए, गाय दूध में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। आपको बताते चले कि पैकेट बंद दूध कंपनी में सुधा दूध बिहार में बहुतायत मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे में इसके ग्राहकों को 11 नवंबर से महंगे कीमत देकर दूध लेने पड़ेंगे। बिहार में 2 जिलों से मिले 3 नए कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान कुल मिलाकर 3 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 2 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 34 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो गोपालगंज जिले से 2 मरीज मिले हैं, जबकि पटना जिले से 1 मरीज की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वही बात रिकवरी रेट की करें तो राज्य में लोगों के ठीक होने की दर 98.66% है। 16 नवंबर के बाद लापरवाह अफसरों की क्लास लेंगे मुख्यमंत्री। बिहार में पर्व त्योहार के दौरान जहरीली शराब ने कई घर परिवारों को उजाड़ दिया, वो भी तब जब बिहार में 5 सालों से शराबबंदी कानून लागू है। ऐसे में तमाम सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं। तो वहीं इस कांड के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एक्शन मोड में है और वह जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने साफ किया था कि छठ के बाद एक समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं इस बात को बीते दिन जनता दरबार कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी मुख्यमंत्री ने फिर से दोहराया। सीएम नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि 16 नवंबर को इसे लेकर एक विस्तृत समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें सभी अधिकारी व मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान शिकायतों, कार्रवाई आदि को गंभीरता से देखा जाएगा और पुराने रिपोर्ट भी खंगाले जाएंगे। साथ ही लापरवाह अफसरों पर एक्शन लिया जाएगा। मिट्टी के चूल्हे से लेकर सूप आम की लकड़ियां बिक रही है महंगी। नहाई खाई खत्म होने के साथ ही आज खरना को लेकर मिट्टी के चूल्हे, आम की लकड़ियां आदि की डिमांड बाजारों में काफी ज्यादा है। इसे लेकर ये सामान आम दिनों की अपेक्षा महंगी कीमतों में मिल रहा है। बाजार में पूजा की खरीदारी को लेकर भीड़भाड़ भी बढ़ी है। हालांकि सभी चीजों की कीमतों में पिछले साल की अपेक्षा उछाल देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक राजधानी पटना में मिट्टी के चूल्हा
₹100 से लेकर ₹200 तक बेचे जा रहे हैं। वहीं आम की लकड़ी की कीमत ₹200 प्रति 5 केजी तक पहुंच गई है। हालांकि विक्रेताओं का कहना है कि कोरोना के कारण पिछले साल बाजारों में रौनक नहीं मिली थी, जिस कारण उन्हें घाटा सहना पड़ा था, मगर इस साल की स्थिति पहले की अपेक्षा ठीक है और लोग बड़ी संख्या में मिट्टी का चूल्हा और आम की लकड़ियां खरीद रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मना रहे हैं 32वां जन्मदिन। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज 32 साल के हो गए हैं। बताते चले कि तेजस्वी यादव अपना 32वां जन्मदिन सादगी के साथ अपने पिता लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी के साथ दिल्ली में मना रहे हैं, जहां उनके साथ अन्य परिजन भी मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने राजनीतिक जीवन के चंद सालों में ही कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्तमान में वे राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक होने के साथ ही बिहार विधानसभा में अपोजिशन पार्टी के नेता भी हैं। तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों ने खूब बधाई दी है, तो वहीं राजद पार्टी कार्यालयों में भी कार्यकर्ता इस दिन के लिए खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई को लेकर बीते दिन से ही राजधानी पटना में उनके नाम से कई इलाकों में पोस्टर भी लगे दिखे, तो वहीं बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी गिले शिकवे भूलते हुए तेजस्वी को अर्जुन बताते हुए ट्विटर पर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री के आवास पर मन रहा छठ, पर राबड़ी आवास पर रहेगी शांति। बिहार में धूमधाम से मनाए जाने वाले छठ का त्योहार की धूम हर ओर दिख रही है और यह पर्व ऐसा है जिसे बड़े बड़े नेता, आला अधिकारी समेत कई हस्तियां भक्तिभाव से मनाते हैं। हर साल की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी इस साल भी छठ हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भाभी छठ कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार और बेटे निशांत सहित पूरा परिवार इस आयोजन में शामिल रहेंगे। दूसरी ओर पूर्व सीएम राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर इस बार छठ गीत नहीं गूंजेंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की तबीयत खराब होने की वजह से लालू राबड़ी दोनों ही दिल्ली में हैं, जिस कारण से इस बार लालू परिवार एक के यहाँ छठ पूजा नहीं हो रही है। विधानसभा चुनाव 2020 में 100 विधायकों ने संपत्ति की दी थी गलत जानकारी। पिछले साल यानी कि 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान करीब 100 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने संपत्ति का गलत ब्यौरा दे दिया है, यानी कि उन्होंने अपनी जितनी संपत्ति के बारे में बताया है वास्तव में उससे कहीं ज्यादा उनके पास संपत्ति है। बता दें कि इस तरह का कारनामा बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से किया गया है। जिन 100 विधायकों की संपत्ति इनकी स्वघोषित संपत्ति के मुकाबले गलत पाई गई है, उन्हें आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। इनसे घोषणा पत्र और हकीकत में संपत्ति में अंतर का कारण पूछा गया है। ऐसे में अब सभी विधायकों को नवंबर के अंत तक जवाब देने को कहा गया है। कुछ विधायकों ने अतिरिक्त समय की भी मांग की है। शाम इस वक्त रहेगा खरना का शुभ समय। छठ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिन आज खरना है। आज के दिन सुबह से ही परवैतिन व्रत में है, वहीं शाम के वक्त खरना का शुद्ध प्रसाद ग्रहण करने के बाद से ही 34 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। खरना को लेकर पूरे दिन गेहूं को धोकर सुखाया गया, इसके आटे से ही खरना का प्रसाद और पकवान तैयार होंगे। बताते चले कि खरना का समय शाम 5:45 से 6:25 के बीच है। व्रतियां खरना का प्रसाद बनाएंगी, उसके बाद परिवार रिश्तेदार के लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। तेजस्वी के जन्मदिन पर पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर चर्चा तेज। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आज जन्मदिन है, इसे लेकर राजधानी पटना में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न जगहों पर पोस्टर लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। ऐसे में पार्टी कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बता दें कि यह पोस्टर कार्यकर्ताओं के द्वारा लगवाया गया है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि तेजस्वी तुम ही हो अर्जुन, तुम ही हो कृष्ण और तुम ही हो युधिष्ठिर। अर्जुन बनकर कौरवों का सहार करो, कृष्ण बनकर करो पापियों का नाश, युधिष्ठिर करो धर्म का राज। इस पोस्टर को लेकर बोलते हुए राजद के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार यादव ने बताया है कि कहीं न कहीं जो हालात बिहार में बने हुए हैं, निश्चित तौर पर कौरवों की सेना बिहार में राज चला रही है। पटना एयरपोर्ट के नाम बना बड़ा रिकॉर्ड। पर्व को लेकर ट्रेनों और बसों में भीड़ होने के कारण लंबी दूरी के यात्री हवाई सेवा के माध्यम से बिहार पहुंच रहे हैं। इस दौरान टिकट के बढ़े दाम भी यात्रियों को बिहार आने से नहीं रोक पाए। ऐसे में पटना एयरपोर्ट ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एयरपोर्ट निदेशक भूपेश नेगी ने बताया कि रविवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना पर एक दिन में यात्रियों की आवाजाही का नया रिकॉर्ड बना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी है। इसके अनुसार रविवार को पटना एयरपोर्ट पर सबसे अधिक 16,615 यात्रियों का आना जाना हुआ, जबकि इससे पहले 24 नवंबर 2019 को सबसे अधिक 16,240 यात्रियों की आवाजाही का रिकॉर्ड था। सीएम नीतीश ने कहा कोरोना पीड़ितों को जल्द मिले सहायता राशि। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना महामारी से जान जाने के मामले में बोलते हुए कहा है कि सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि से वंचित लोगों को इसका लाभ शीघ्र दिए जाने का निर्देश दिया है। बीते दिन हुए जनता दरबार में
पहुंची एक महिला फरियादी ने उनसे कहा कि उसके पति की जान कोरोना से चली गई है, सरकार की तरफ से दी जाने वाली राशि उन्हें अब तक नहीं मिल पाई है। यह सुनकर मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग से कहा कि जितने लोगों को सहायता राशि नहीं मिली है उन लोगों को शीघ्र इसका लाभ दिलवाएं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग समेत कई विभागों से जुड़े मामलों को सुना और उस पर आवश्यक निर्देश भी दिया। लोकप्रियता में स्क्विड गेम मनी हाइस्ट को दे रही है टक्कर। नेटफ्लिक्स की साउथ कोरियन वेब सीरीज स्क्विड गेम का खुमार दुनिया भर में ऐसा छाया कि लोगों ने इसे देखने में 3 बिलियन मिनट से देख चुके हैं। दुनिया भर में यह सीरीज सबसे अधिक देखी जाने वाली सीरीजों के बीच अपनी जगह बना चुकी है। यह आंकड़ा 4 अक्टूबर के हफ्ते का है। नीलसन स्ट्रीमिंग कंटेंट रेटिंग ने यह आंकड़ा जारी किया है। आपको बता दें कि स्क्विड गेम 17 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की गई थी। भारत में इस सीरीज को हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था। स्क्विड गेम से पहले नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम गई क्राइम वेब सीरीज मनी हाइस्ट सबसे अधिक चर्चित वेब सीरीज में शामिल थी। अब लोकप्रियता में स्क्विड गेम मनी हाइस्ट को टक्कर दे रही है। T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद भी इस मानसिकता को बनाए रखेंगे कोहली। बीते दिन नामीबिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2021 के आखिरी लीग मैच में जीत दर्ज करने के बाद T20 फॉर्मेट से विराट कोहली का कप्तान के तौर पर सफर समाप्त हो गया। इस सफर के खत्म होने के बाद विराट कोहली ने कहा कि यह मेरे लिए सम्मान का विषय है, मुझे कप्तानी का मौका दिया गया और मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की, लेकिन अब यह समय आ गया है कि बाकी लोगों के लिए यह जगह खाली की जाए और आगे बढ़ा दिया जाए। मुझे बहुत गर्व है जिस तरह मेरे नेतृत्व में टीम ने खेला। मुझे लगता है कि अब नए लोगों के पास टीम को आगे ले जाने का मौका है। निसंदेह रोहित शर्मा यहाँ है और वह कुछ समय से चीजों को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर नए लोग टीम को आगे ले जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार वर्तमान में बिहार के किस नेता को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।